Good morning, my dear students. Welcome back to my YouTube channel. And today we are going to study under the microorganisms about the disadvantage of microorganisms, or you can say how the microorganisms can harm us. तो सबसे पहला ही लिखा हुआ है एल्गी कॉजेस यूट्रोफिकेशन एंड हार्म एक्वेटिक लाइफ. जो एल्गीज होती है वो यूट्रोफिकेशन कॉज करती है और एक्वेटिक लाइफ को हार्म करती है. ओके अब बच्चों यूट्रोफिकेशन प्रोसेस है क्या है, चलो ये भी तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि दैट व्हाट इज यूट्रोफिकेशन. यूट्रोफिकेशन इज दैट प्रोसेस इन विच फर्टिलाइजर्स एंड द सीवेज are mixed up with the water bodies and causes the increase in the algae. ठीक है, आप कह सकते हो कि होता क्या है यूट्रोफिकेशन के अंदर, जैसे ही सीवेज और आपका यानी कि आप कह सकते हो वेस्ट वाटर और जो फर्टिलाइजर्स है वो वाटर बॉडीज में ड्रेन्स के थ्रू आके मिक्सअप हो जाते हैं. उसके बाद में वो एक तरीके से फर्टिलाइजर का ही वर्क कर रहे हैं दोनों, किसके लिए, एल्गीज की ग्रोथ के लिए. तो वहां पे एल्गीज की लेयर डिपॉजिट हो जाती है वाटर बॉडीज के ऊपर. और होता क्या है, जो सफिशिएंट सनलाइट है और ऑक्सीजन है, जो वहां पे रहने वाले जो एक्वेटिक लाइफ है उनको सफिशिएंट ऑक्सीजन और आप कह सकते हो ऑक्सीजन एंड सनलाइट नहीं मिल पाती, जिससे कि उनको हार्म होने लगता है और वो डाई कर जाते हैं. पहले स्मॉल ऑर्गेनिजम्स के साथ ऐसा होता है, फिर जब बैक्टीरिया उनके ऊपर एक्ट अपॉन करते हैं या उनको डिकम्पोज करना चाहते हैं उस टाइम पे वो बैक्टीरिया सारा का सारा जो वाटर का ऑक्सीजन है उसको यूज्ड अप कर लेते हैं. ठीक है, क्योंकि वाटर जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऑक्सीजन का ही यूज करते हैं ब्रीथ करने के लिए. और इस तरीके से बैक्टीरियाज की वजह से और एल्गीज की वजह से जो बाकी एक्वेटिक लाइफ है वो हार्म होने लगती है और वो मरने लगते हैं. तो इस तरीके से जो कह सकते हो आप एल्गीज हैं आर हार्मफुल फॉर द वाटर बॉडीज एंड द एक्वेटिक लाइफ लिविंग इन द वाटर बॉडीज. ओके नाउ सेकेंड इज फंजाई या मोल्ड्स में स्पॉइल द फूड. जो फंजाइज होती है, फंजाई में भी जो मोल्ड फंजाई है वो क्या करती है, फूड को स्पॉइल करने का काम करती है. जैसे आपने फूड को बहुत दिनों तक के लिए ऐसे ही लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया आपने फूड को, तो होगा क्या, उसपे एक ग्रेश कलर का सब्सटेंस डिपॉजिट होने लगेगा. दैट ग्रेश कलर सब्सटेंस इज नथिंग अदर देन द मोल्ड एंड दैट इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज ट्राइंग टू डिकम्पोज द फूड. जो आपकी फूड को डिकम्पोज करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है पहले वो उसको स्पॉइल करेगा. तो फूड को भी स्पॉइल करने का काम कौन करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं. देन अबाउट द प्रोटोजोआज, प्रोटोजोआज में भी प्लाज्मोडियम इज द मेन कॉज फॉर द डिजीज मलेरिया. मलेरिया के लिए मेन कॉज कौन है, प्लाज्मोडियम है. अब इसी के अंदर बच्चों आपको एक बात बताती हूँ कि इनके कैरियर्स कौन होते हैं, हाउस फ्लाइज एंड मॉस्किटोज आर द मेन कैरियर्स. या फिर आप कह सकते हो जो बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज या प्रोटोजोआ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली जो डिजीज है उनके मेन कैरियर्स कौन होते हैं, हाउस फ्लाइज एंड मॉस्किटोज आर मेनली द कैरियर्स. ठीक है, वो क्या करते हैं, जैसे मॉस्किटो की बात है, जब मॉस्किटो ने किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट किया, सपोज करो किसी पर्सन को मलेरिया हो रखा है, ठीक है, और उसको मॉस्किटो ने बाइट कर लिया, अब उसने उसके ब्लड से वो बैक्टीरियाज भी क्या कर लिए हैं, अपने अंदर सब कर लिए हैं. इसके बाद में वो किसी हेल्दी पर्सन को जाके बाइट करेगा और उसके ब्लड में कुछ पार्ट, बहुत ही स्मॉल पार्ट इन्फेक्शन का वो छोड़ के आ जाएगा, जिससे कि हेल्दी पर्सन को भी वही डिजीज हो जाएगी जो किसी ऑलरेडी इन्फेक्टेड पर्सन को थी. एंड कैरियर कौन बना, दैट पर्टिकुलर मॉस्किटो इज द मेन कैरियर फॉर द डिजीज कॉज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके तो ये थी बात प्रोटोजोआज की. इसके बाद में बात आती है वायरसेस आल्सो कॉजेस मेनी डिजीज लाइक कोल्ड, हेपेटाइटिस एंड एड्स. शायद मुझे वायरसेस के बारे में तो बच्चों आपको बताना ना पड़े, क्योंकि आजकल आपको भी पता है कि कोरोना वायरस चारों तरफ फैला हुआ है, ठीक है, और वो परेशान कर रहा है सबको, जैसे हर एक कंट्री को, सबको नहीं, हर एक कंट्री में रहने वाले पर्सन को उसने अफेक्ट किया है, आपकी स्कूल लाइफ को अफेक्ट किया है. तो आप समझ ही सकते हो कि वायरस भी कितना हार्मफुल हमारे लिए हो सकता है. और ऑलरेडी नॉन वायरस तो आपको पता भी है, एचआईवी वायरस, ओके, और भी कई डिजीजेस वायरस की वजह से हो सकती है. वायरस एक तरीके का पैरासाइट का वर्क करता है कि वो रहता भी आपकी बॉडी पे है और आपकी बॉडी से अपना फूड लेता है और रिप्रोडक्शन भी करता है अपना, तो आपकी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है वायरस भी.
ठीक है। इसके बाद में सबसे बाद में बात आती है, बैक्टीरिया प्रोड्यूस अ पॉइजनस सब्सटेंस कॉल्ड टॉक्सिन एंड डिस्ट्रॉइंग द लिविंग टिश्यू। जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया भी बहुत सारे टाइप की डिजीज कोज करते हैं, टाइफाइड, मलेरिया एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं या फिर बहुत सारी डिजीजेज हैं जिनसे जो बैक्टीरिया कोज करते हैं। मेन काम क्या है इनका, ये लोग ये क्या करते हैं बैक्टीरियाज, ये डिस्ट्रॉय करते हैं लिविंग टिश्यू को, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, और एक पॉइजनस सबस्थान जिसको हम टॉक्सिन कहते हैं उसको प्रोड्यूस करते हैं, एंड दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर अस। ओके, तो बच्चों ये तो बात थी यहाँ पे कि डिसएडवांटेज या हाउ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्म द एक्वेटिक लाइफ, द ह्यूमंस एंड ऑल अदर, यू कैन से प्लांट्स ऑल्सो, प्लांट्स को भी ये लोग हार्म करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द फूड पॉइजनिंग, अब हम पढ़े जा रहे हैं फूड पॉइजनिंग एक्चुअली प्रोसेस है क्या। द प्रोसेस इन विच फूड इज डिस्ट्रॉयड बाय द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड कॉज डिजीजेस इन ह्यूमन बीइंग्स व्हेन ईटन बाय देम। ओके, हिंदी में समझते हैं कि फूड पॉइजनिंग वो प्रोसेस होती है जिसमें ह्यूमन बीइंग्स ऐसा फूड ईटअप कर लेते हैं जिसमें ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टॉक्सिक सब्सटेंसेस क्रिएट कर चुके होते हैं, कॉमन डिजीजेस ह्यूमन बींग्स के अंदर होने लगती है। इसी पूरी प्रोसेस को हम
भी रख लिया ताकि हम उसको बहुत ज्यादा लंबे समय तक स्टोर करके रख सके। तो यही जो हमारा मेथड होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करना और फिर उसको कूल कर लेना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पैस्टराइजेशन कहते हैं। नियर अबाउट 70-80 डिग्री सेल्सियस पे हम इसमें हीट करते हैं और फिर उसको कूल कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात आती है बच्चों पैकिंग इन एयर टाइट पैकेट्स। ठीक है, जो हमारे एयर टाइट पैकेट्स होते हैं उनकी हेल्प से भी हम क्या करते हैं, फूड प्रिजर्व करते हैं। आपको शायद, आप लोग छोटे बच्चे हो तो आपको तो बताने की जरूरत भी नहीं है कि हम जो हमारे पास में एयर टाइट पैकेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं। जब आप उनको ओपन करते हो तो क्या होता है, गैस टाइप में कुछ निकलता है ना, तो उसमें एक गैस फिल की जाती है। ठीक है, जो नाइट्रोजन होती है उसको फिल कर देते हैं, जिससे कि होगा क्या, आपने उस पैकेट में बंद कर दिया उसको, उसमें गैस भी फिल कर दी, तो बाहर के ऑक्सीजन के साथ में जो आपका फूड आपने उसके अंदर रखा है वो रिएक्ट नहीं करता और वो स्पॉइल भी नहीं होता। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल लें चिप्स का। ठीक है, तो चिप्स जब बाहर खुल जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो मॉइस्चराइज हो जाते हैं। अगर आप उनको ऐसे छोड़ दें ओपन करके पैकेट को, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो आपके चिप्स है वो स्पॉइल होना स्टार्ट हो गए। मॉइस्चराइज मतलब क्या है, स्पॉइल होना स्टार्ट हो गए, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मॉइस्चर लविंग होते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये बात हो गई हमारी एयर टाइट पैकेट्स की। और हमने आज के वीडियो में क्या बात की, हमने बात की, सबसे पहले हमने बात की थी कि प्रिजर्वेशन क्या है,